हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिविल प्लस आई टेक्नो। तो दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जो कि सोलर प्लांट के थ्रू चल रहा है। दोस्तों इंडिया में जो सोलर प्लांट बना है कोचिन में, केरला में, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज इस प्लांट की पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको इसकी फर्दर जो जानकारी है वो नहीं मिल पाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। एयरपोर्ट लिमिटेड को सप्लाई करने के लिए जो सोलर प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसमें 46,000 सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सूरज की रोशनी को कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। केरला के साउथ रीजन में पाया जाने वाला ये एयरपोर्ट दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि पूरी तरह से सोलर पावर पर चलता है। 2013 में केवल 400 पैनल्स लगाने के साथ एक्सपेरिमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, जो कि कामयाब रहा। फिर इसे पूरी तरह से लागू किया गया। इसी साल अगस्त 2013 को इसे पूरी तरह से लागू किया गया, जिससे 12 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई। इस काम को जारी रखने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये भारत का सातवां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट था। हर वीक 1,000 फ्लाइट्स को हैंडल करता था, जो कि 48,000 यूनिट्स को कंज्यूम करता था, जिसकी कॉस्ट लगभग 3,36,000 के अराउंड थी। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया, उसके बाद जितनी एनर्जी की जरूरत एयरपोर्ट को थी, उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस हुई। इस सोलर प्लांट को लगाने में लगभग US$9.5 मिलियन का खर्चा आया, और इसे पूरा करने में 6 महीने का समय लगा। कोचिन इंटरनेशनल का दावा है कि इसे इस खर्च को पूरा करने के लिए 6 साल का समय लगेगा। सोलर प्लांट 46,000 मेगावाट से लेकर 56,000 मेगावाट तक एनर्जी जनरेट करता है। इस प्रोजेक्ट में मोस्टली सोलर प्लेट्स को जो बनाई गई थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट टाटा पावर सोलर ने लिया था, जो कि टाटा ग्रुप का एक पार्ट है। इस प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंटल परेशानियों का काफ़ी जो आती थी, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, उसकी जो कंजप्शन है वो बहुत कम होगी, जिससे काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसको कहा जा रहा है। कोचिन एयरपोर्ट पर लगाए गए सोलर प्लांट से जितने यूनिट पावर प्रोड्यूस होती है, उतनी पावर से आप देश के 10,000 घरों में पूरी साल बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इससे 3 लाख मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होता है, जो कि लगभग 3 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। कोचिन एयरपोर्ट 1,300 एकड़ में फैला है। 2018 और 9 के आंकड़ों के हिसाब से कहा जाए तो यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स 30,840 और डोमेस्टिक फ्लाइट्स 41,031 फ्लाइट्स यहाँ से एनुअली गई थी, जो लगभग 71,000 से लेके 72,000 के बीच में आती हैं। और यहाँ से जो पैसेंजरों के जाने की, यहाँ से पैसेंजर्स ने जितना ट्रेवल किया, वो लगभग 1 करोड़ के बराबर थे। एयरपोर्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में कहा जाए तो दोस्तों, डोमेस्टिक टर्मिनल में अराइवल और डिपार्चर के लिए अलग से 6 लाख स्क्वेयर फीट का एरिया दिया हुआ है, जहाँ मैक्सिमम 2,000 इनकमिंग और 2,000 आउटगोइंग पैसेंजर को हैंडल किया जाता है। इसकी डिज़ाइन केरला स्टाइल आर्किटेक्चर में किया गया है। सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स इसी टर्मिनल्स के द्वारा हैंडल की जाती हैं। इस टर्मिनल में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 40 शॉप्स बनाई गई हैं, जो सारी की सारी शॉप्स सोलर पावर पर चलती हैं, और पूरा एयरपोर्ट सोलर पावर पर जनरेट होता है। यहाँ पर दो कन्वेयर बेल्ट लगाई गई हैं अराइवल हॉल में। इस अराइविंग हॉल में आपको कई तरह की फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जिसमें वेटिंग हॉल, बैगेज क्लेम, प्रीपेड टैक्सी, टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर, उसके अलावा करेंसी एक्सचेंज ब्यूरो भी आपको मिल जाता है। डिपार्चर हॉल में भी आपको ये सब सुविधाएं मिल जाती हैं। पार्किंग के बारे में कहा जाए तो यहाँ 1,500 तक कार को पार्क किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट हैंडल
करने के लिए यहाँ पे जितने भी एयरक्राफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं वो है बोइंग 747 777 737। रनिंग वे इंफॉर्मेशन के बारे में कहा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एयरबस 340, 330, 310, 321, 320, 319, एम्ब्रायर ATR 42, ATR 72, ये एयरक्राफ्ट हैंडलिंग में आपको दोस्तों मिल जाएंगे। यहाँ पे एयरक्राफ्ट ये सब लैंड कर सकते हैं। रनिंग इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे जो रनवे की लेंथ दी गई है वो 3400 मीटर है। रनिंग वे विड्थ की बात कही जाए तो यहाँ पे 45 मीटर आपको विड्थ मिल जाएगी इस एयरपोर्ट की जो भी लैंडिंग रनवे है। रनवे शोल्डर्स की बात की जाए तो दोस्तों उनकी 7.5 मीटर विड्थ है जो कि बोथ साइड दिए गए हैं। ओरिएंटेशन दोस्तों यहाँ पे 27/09 है और स्ट्रेंथ इसकी PCN 60 के बराबर है। पैरेलल टैक्सीवे इसका 3400 मीटर का है। इसमें 29 पार्किंग स्टैंड्स इंक्लूडिंग 2 मार्स 5 एरो ब्रिज बेस पावर इन एंड पाउश बैक सिस्टम भी प्रोवाइड किए गए हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वेल एक्सपीरियंस और ट्रेंड इंजीनियर्स को लगाया गया है जो कि यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम करते हैं। हवा की दिशा बताने के लिए विंड डायरेक्शन इंडिकेटर्स का भी प्रयोग किया गया है जिसमें 3 डायरेक्शन में इंडिकेटर को लगाया गया है। सातों साइड रनवे 27 पर लगाया गया है जो कि ग्लाइड पाथ के पास है। नॉर्थन साइड ऑफ द रनवे 29C1 के पास है। ईस्टर्न साइड टैक्सीवे एच जो कि हमारा 27th रनवे पे है जो कि फायर स्टेशन के पास लगाया गया है। लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर्स के लिए दोस्तों कहा जाए तो यहाँ पे लाइटेड लैंडिंग टी प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू टैक्सीवे C4 के पास जो प्रोवाइड किया गया है। नाइट लैंडिंग के लिए फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की गई है दोस्तों वो नाइट रनवे 27 पर लाइट फैसिलिटीज का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ ही रनवे जो 9 है उस पर नॉर्मल लैंडिंग की जाती है। टैक्सीवे C4 पर रनवे एज लाइटिंग थ्रेशहोल्ड लाइटिंग टैक्सीवे एज लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना होने पर इस कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कैटेगरी 9 दी गई है जो कि सबसे सेफेस्ट एयरपोर्ट का दी जाती है। यहाँ पर 2400 घंटे ARFF टीम मौजूद रहती है। होपफुली इस वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।